ये लेफ्ट लंग है, दो सरफेसेस सुपीरियर एंड इन्फीरियर, दो लोब्स होते हैं सुपीरियर एंड इन्फीरियर, इसके अंदर एक फिशर होती है ऑब्लिक फिशर, ये कार्डियक नॉच है जो इरेगुलर है, इसको बोलते हैं लिंगुला, इसके अंदर एक इंप्रेशन आता है डिसेंडिंग थोरेसिक आवर्टा का, एक ये वाला जो इंप्रेशन है ये आर्च ऑफ आवर्टा, ये जो हार्ड सरफेस है ये ब्रोंकियस और नीचे है जो वेन है इसके अंदर और ऊपर आर्टरी है, दो वेन और एक आर्टरी, ये वाली जो सरफेस है ये रिलेशन करती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये डायफ्रेगमेटिक सरफेस। लेफ्ट लंग, इसके अंदर सुपीरियर सरफेस, सुपीरियर लोब, इन्फीरियर लोब, ऑब्लिक फिशर, डिसेंडिंग थोरेसिक आवर्टा का इंप्रेशन, आर्च ऑफ आवर्टा का इंप्रेशन, ये जो हार्ड पार्ट है ये ब्रोंकियस, नीचे वाला दो वेन और ऊपर एक आर्टरी है, ये वाला जो रिलेशन है लेफ्ट वेंट्रिकल से रिलेशन होती है, ये वाली सरफेस डायफ्रेगमेटिक सरफेस, कार्डियक नॉच। राइट लंग, इसके अंदर दो फिशर्स होती है, ऑब्लिक फिशर और हॉरिजॉन्टल फिशर, तीन लोब्स होते हैं सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर, दो फिशर्स ऑब्लिक, हॉरिजॉन्टल और तीन लोब्स सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर। इसके अंदर जो एंटीरियर सरफेस होती है वो स्ट्रेट होती है राइट वाले में स्ट्रेट होती है, जबकि जो लेफ्ट में थे उसमें कार्डियक नॉच आ जाता है इसलिए वो इरेगुलर हो जाती है। यहाँ पे इंप्रेशन आता है एसोफेगस वेन का जो ओपन होती है सुपीरियर वेना केवा में, एंड ये वाला जो इंप्रेशन है ये इन्फीरियर वेना केवा का है, और ये जो इंप्रेशन है ये राइट एट्रियम का, ये सरफेस राइट एट्रियम से रिलेशन होती है, डायफ्रेगमेटिक सरफेस, ये एपेक्स।